मदरनी का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर फरमाते लोगों सुनो, मेरे दुनिया में दो वजीर जमीन पे हैं, दो वजीर आसमान पे हैं। फरमाया दो वजीर मेरे दुनिया में अबू बकर और उमर है, और आसमानों पे जो है जिब्राइल और मीकाईल है। अल्लाहू अकबर। ये मामला है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये फजीलत है, ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह जो है अब ऐलान कर रहे हैं, बताइए आप अब जो है रमजान आता ज़कात सदका निकाल देना, तो यहाँ पर हुजूर ऐलान कर रहे हैं सहाबाए किराम लोगों माल गनीमत जमा करो, माल जमा करो, अल्लाह के दीन के लिए लड़ने जाना है, जिहाद करने जाना है, ज़कात नहीं जमा करो। अब यहाँ पर रावी बयान करते हैं सब के सब जो है सहाबाए किराम जो था लाए दूसरे चीजों में ताउन कर रहे, तो अलग यहाँ पर जो है अब हजरत उमर फरमाने लगे अब मैं वो नेकी में तो आगे नहीं बढ़ा, जे घर की नेकी में तो आगे नहीं बढ़ा, अब ये जो है मैं माल की नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। अब हुजूर की बारगाह में पेश करें, बोले या रसूलुल्लाह सल्लम ये माल है, बोले क्या लेकर आए, फरमाए जो है जितना आधा माल था सब लेकर आए, दो घोड़े एक घोड़ा लेकर आए, आधा माल लेकर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आकर जो है अब सोच रहे हजरत उमर की सोच है क्या, मैं नेकी में आगे हूँ, अबू बकर से आगे हूँ, तो अलगर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में पेश लाए, पेश करकर मान जैसा दिए तो फरमाए कि या अबू बकर क्या लाए, फरमाए या रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा, फरमाए या रसूलुल्लाह जो भी था सब लेकर आया, घर में क्या छोड़कर आया, फरमाए अल्लाह अल्लाह के रसूल को छोड़कर आया, जी अल्लाह अल्लाह के रसूल को छोड़कर आया, सब ला लिया। बताए फरमाए कि खुदा की कसम मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मामला था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये फजीलत है। मोहतरमा हज़रात इकराम सिद्दीक जो है लक़ब लगा ना जी हजरत अबू बकर।